आप लोग मुझे बता सकते हो कहाँ से स्टार्ट करना है हमने? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? आई थिंक हमने पैसेज 2 स्टार्ट करना है, कोई बता सकता है मुझे? मैम भी ना आप पैसेज बताएंगे? 2 से स्टार्ट करें मैम। ओके ओके पैसेज 2 में ये होता है कि हमने एमसीक्यूज फाइंड करने होते हैं डिफरेंट पैराग्राफ से, ठीक है? जैसे हमारे पास यहाँ पे 7 पैराग्राफ दिए होंगे, उसमें से जो भी एमसीक्यूज होगा वो फाइंड करना होगा। कोई ये पैराग्राफ 1 रीड करेगा ये वाला? कोई अवेलेबल है? जी मैम, द ग्रोथ माइंड सेट। ओवर द पास्ट सेंचुरी अ पावरफुल आइडिया हैज टेकन रूट इन द एजुकेशनल लैंडस्केप। द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस एज समथिंग इनेट हैज बीन सप्लांटेड बाय द आइडिया दैट इंटेलिजेंस इज नॉट फिक्स्ड एंड दैट विद द राइट ट्रेनिंग वी कैन बी द ऑथर्स ऑफ आर ओन कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज। साइकोलॉजिस्ट ऑल्फ्रेड बाइनेट, द डिवेलपर ऑफ फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट, वॉज वन ऑफ मैनी 19th century साइंटिस्ट हु हेल्ड दैट अर्लियर व्यू एंड सोट टू क्वान्टिफाई कॉग्निटिव अबिलिटी। देन इन दैट अर्ली 20th century प्रोग्रेसिव थिंकर्स रिवोल्टेड अगेंस्ट द नोशन दैट इनहेरेंट एबिलिटी इज डेस्टिनी। इंस्टेड एजुकेटर्स सच एज जॉन डेवी आर्ग्यूड दैट एवरी चाइल्ड्स इंटेलिजेंस कुड बी डिवेलप्ड गिवन द राइट एनवायरनमेंट। सर आपने पैराग्राफ रीड किया, अब आप बता सकते हो 14 का क्या आंसर होगा? 14 को रीड करें, 14 एमसीक्यूज को। व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम द फर्स्ट पैराग्राफ? ए, वेयर द नोशन ऑफ इनेट इंटेलिजेंस फर्स्ट बिगेन, वेयर व्हेन आइडिया अबाउट द नेचर ऑफ इंटेलिजेंस बिगेन टू शिफ्ट, हाउ साइंटिस्ट हैव रिस्पोंडेड टू चेंजिंग व्यूज ऑफ इंटेलिजेंस, वाई थिंकर्स टर्न अवे फ्रॉम द आइडिया ऑफ इंटेलिजेंस बीइंग फिक्स्ड। तो सर आपको कुछ आइडिया हुआ कौन सा एमसीक्यूज यहाँ पे सूट करेगा? मैं और बताऊँ? किस मैम देखो जी जी बताए। सर, आप शेयर करें तो इट्स ओके। ओके, हाँ बता दे मैम भी ना। आई थिंक सर कुछ कह रहे थे। ओके नो मैम, आप शेयर करें, मैं देख रहा हूँ अभी थ्रू कर। थिंक व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम द फर्स्ट पैराग्राफ इज ऑप्शंस जो हमारे पास हैं, वेयर द नोशन ऑफ इनेट इंटेलिजेंस फर्स्ट बिगिन,
ऐसा तो हमारे पास नहीं, क्योंकि इनेट इंटेलिजेंस जो है वो तो बिगनिंग से ही था, तो ऐसा कोई आइडिया नहीं है कि कब पहले स्टार्ट हुआ। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि वाई वो दे आर टॉकिंग अबाउट, कि ये बात किस चीज के बारे में कर रहे हैं। फर्स्ट जो हमारी हेडिंग है दैट इज द ग्रोथ माइंडसेट, कि माइंडसेट की ग्रोथ आइदर इट इज पॉसिबल और नॉट, कि ये बचपन से ही लोग जो इंटेलिजेंट होते हैं वो बचपन से होते हैं, या फिर हमारे इंटेलिजेंस को इनहांस किया जा सकता है थ्रू प्रैक्टिस, हमारा माइंडसेट चेंज हो सकता है एनवायरनमेंट के जरिए। दिस होल पैसेज इज ऑल अबाउट। तो फर्स्ट पैराग्राफ में हमारे पास ये कह रहे हैं कि ओवर द पास्ट सेंचुरी अ पावरफुल आइडिया हैज टेकन रूट इन एजुकेशनल लैंडस्केप। द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस इज समथिंग इनेट हैज बीन सप्लेंटेड बाय द आइडिया दैट इंटेलिजेंस इज नॉट फिक्स्ड। मीन्स कि ये कह रहे हैं कि जो पहले इनेट इंटेलिजेंस की बात होती थी, कि इनेट जो है वो पैदाइशी तौर पर इंटेलिजेंस होती है, वो उसका जो आइडिया है वो थोड़ा सा सप्लेंटेड हो गया है, कि इंटेलिजेंस अब फिक्स नहीं है। इंटेलिजेंस कैन बी इनहांस्ड, या जो कॉग्निटिव एबिलिटीज हैं हमारी, जो माइंड एबिलिटीज को कहते हैं, वो इंक्रीज की जा सकती हैं। अब साइकोलॉजिस्ट एल्फ्रेड बाइनेट द डेवलपर ऑफ द फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट वाज वन ऑफ मैनी 19th century साइंटिस्ट हु हेल्ड द अर्लियर व्यू एंड सॉट टू क्वांटिफाई कॉग्निटिव एबिलिटी। देन इन अर्ली 20th century, अभी देखें हमारे पास डिफरेंट टाइम जोन्स बताए जा रहे हैं, कि डिफरेंट टाइम जोन्स में हमारे पास किस तरह से जो माइंडसेट, ग्रोथ माइंडसेट है उसका जो आइडिया है इंटेलिजेंस का, वो कैसे चेंज हुआ। तो व्हेन आइडियाज अबाउट द नेचर ऑफ इंटेलिजेंस बिगेन टू शिफ्ट, उसकी बात की गई है इस पैराग्राफ में। आई थिंक सो फर्स्ट वाला यही यस मैंने बताया। मैम, मुझे भी यही लग रहा है, बी और लग रहा है इसका। सी वाला देखें, हाउ साइंटिस्ट हैव रिस्पॉन्डेड टू चेंजिंग द व्यूज ऑफ इंटेलिजेंस। अब साइंटिस्ट की तो यहाँ पर साइंटिस्ट के रिस्पॉन्स की बात नहीं हो रही है, कि लोगों का व्यूज चेंज करने के लिए किस तरह से रिस्पॉन्ड किया साइंटिस्ट ने, ये रिस्पॉन्स की बात नहीं हो रही साइंटिस्ट के, ये बात हो रही है कि 20th century में प्रोग्रेसिव थिंकर्स रिवोल्टेड रिवोल्टेड अगेंस्ट द नोशन दैट इनहेरेंट एबिलिटी इज डेस्टिनी। इंस्टेड एजुकेटर्स सच एज जॉन डेवी आर्ग्यूड दैट एवरी चाइल्ड इंटेलिजेंस कुड बी डेवलप्ड गिवन द राइट एनवायरनमेंट। उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया था, उन्होंने अपनी थ्योरी दी थी। मैम यहाँ उन्होंने बाय का पूछा है, वो नहीं मेरे को एक्सप्लेन। क्या पूछा है? डी ऑप्शन आई थिंक नहीं होगा, क्योंकि उसमें वाई उन्होंने पूछा है कि थिंकर्स वाई टर्न्ड अवे। आई थिंक बी ऑप्शन ही बेस्ट है, बाकी कब बना ना, अर्ली 20th century में जो है वो प्रोग्रेसिव थिंकर्स आए, उन्होंने आइडिया चेंज किया, तो वैन ही होगा आई थिंक। ओके सर, आप नेक्स्ट पैराग्राफ रीड कर दें। ग्रोथ माइंडसेट थ्योरी इज अ रिलेटिवली न्यू एंड एक्सट्रीमली पॉपुलर वर्जन ऑफ दिस आइडिया। इन मैनी स्कूल्स टूडे यू विल सी हाउ ऑलवेज कवर्ड इन मोटिवेशनल पोस्टर्स एंड हेयर स्पीचेस ऑन द माइंड सेट ऑफ ग्रेट स्पोर्टिंग हीरोज हू सिंपली बिलीव देयर वे टू द टॉप। अ मेजर फोकस ऑफ ग्रोथ माइंड सेट इन स्कूल इज कोक्सिंग स्टूडेंट्स अवे फ्रॉम सीइंग फेलियर एज एन इंडिकेशन ऑफ देयर एबिलिटी एंड towards seeing it as a chance to improve that ability. As educationist Jeff Howard noted several decades ago, smart is not something that you just are, smart is something that you can get. द सेकेंड पैराग्राफ डिस्क्राइब हाउ स्कूल इनकरेज स्टूडेंट टू आइडेंटिफाई देयर पर्सनल एम्बिशंस, हेल्प ईच अदर टू रियलाइज देयर गोल्स, हैव कॉन्फिडेंस इन देयर पोटेंशियल टू सक्सीड, कंसंट्रेट ऑन वेयर देयर पार्टिकल स्ट्रेंथ्स लाइक। मैम इसका सी होगा। दिस
ये मुझे भी ये लग रहा है। हाँ, और कोई बता सकता है इसके बारे में? होगा। अच्छा, बाकी और किसी को? तो कौन सी टाइम शो कर रही है इस काम पर? मैम, ये जो अ मेजर फोकस ऑफ ग्रोथ माइंडसेट इन स्कूल इज कोक्सिंग स्टूडेंट्स अवे फ्रॉम सीइंग फेलियर एज एन इंडिकेशन एंड टुवर्ड्स सीइंग इट एज अ चांस टू इम्प्रूव दैट एबिलिटी। आई थिंक सो, ये लाइन थोड़ा सा कर रही है। और किसी को आइडिया है इस बारे में, इसके बारे में? अलैक्म वालेकुम सलाम। मैम। अच्छा, आप भी 15 क्वेश्चन कर रही है? यस मैम। ओके। अच्छा, ये जो सी का बता रहे हैं, अगर हम इसको कंसिडर करते हैं तो थर्ड लाइन में बिलीव देयर वे टू दी टॉप, ठीक है, जब हम कहते हैं ना पोटेंशियल टू सक्सीड और कॉन्फिडेंस की बात आती है तो सिंपली बिलीव्ड देयर वे टू द टॉप, एक तो ये चीज, और मतलब ये ज्यादा जो मुझे ज्यादा लग रहा है बिल्कुल। इसके अलावा कोई और अगर कुछ ऐड करना चाहें? मैम, ये जो डी ऑप्शन है, इसमें भी उसने कहा है कि आपकी पर्टिकुलर स्ट्रेंथ वो भी मैटर करती है, कि आप किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं किस तरह है, कि वो मेरे लिए किस तरह बेहतर हो सकती है, लाइक थिंकिंग पर्टिकुलर स्ट्रेंथ हो सकती है। ठीक है। अच्छा, ये जो कंसंट्रेट ऑन वेयर देयर, लाइक इसमें यह ना कि एक पर्टिकुलर स्ट्रेंथ की बात की गई है, तो आप ये देखें कि इस पूरे पैराग्राफ में क्या किसी एक चीज, एक स्ट्रेंथ पे फोकस किया गया है? अगर किया गया तो हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। अगर पर्टिकुलर स्ट्रेंथ पे नहीं किया गया, ओवरऑल की बात की गई है, तो फिर हम सी को साथ लेके चल सकते हैं। ठीक है। बाकी पार्टिसिपेंट भी करें ना, पार्टिसिपेट करें आप लोग भी। मैम, आई थिंक वी कैन चूज सी बिकॉज द थर्ड लाइन बिलीव्ड देयर वे टू द टॉप। ये मैम इंडिकेट करता है कि ना, क्या कहते हैं, कॉन्फिडेंस इन देयर पोटेंशियल टू सक्सीड विद ऑप्शन है, ये इसका चांसेस है कि ये ठीक हो सकता है। ओके सर। ओके, आप नेक्स्ट पैराग्राफ रीड कर दे सर। मैम, आपने क्वेश्चंस पढ़ लिए हैं सारे? लाइक इसमें अगर आप क्वेश्चन में हाईलाइट करवा दें तो वो जो तो पैराग्राफ पढ़ते हैं तो इजीली पॉइंट आउट हो सकेगा। ओके जी जी ओके अच्छा, इन द थर्ड पैराग्राफ द राइटर सजेस्ट द स्टूडेंट्स विद अ फिक्स्ड माइंडसेट। इसमें होगा स्टूडेंट, हमारा कीवर्ड होगा, उसके बाद फिक्स्ड माइंडसेट, और ऑप्शंस में होगा टेन टू बी लेस कम्पिटेटिव, जनरली हैव अ लो सेंस ऑफ सेल्फ एस्टीम, उसके बाद है विल ओनली वर्क हार्ड इफ दे आर गिवन कंस्टेंट इनकरेजमेंट, लास्ट पे है आर एफ्रेड पुश देम सेल्फ बियॉन्ड वट दे सी देयर एज देयर लिमिटेशन। सॉरी, सर आप पैराग्राफ रीड कर दे अब। द आइडिया ऑफ ग्रोथ माइंड सेट इज बेस्ड ऑन द वर्क ऑफ साइकोलॉजिस्ट कारोल ड्वेक।
इन कैलिफोर्निया इन 1990s। इन वन की एक्सपेरिमेंट वेक डिवाइडेड अ ग्रुप ऑफ 10 to 12 ईयर्स ओल्ड इंटू टू ग्रुप्स। ऑल वर टोल्ड दे हैड अचीव्ड अ हाई स्कोर ऑन अ टेस्ट, बट द फर्स्ट ग्रुप वर प्रेज्ड फॉर देयर इंटेलिजेंस इन अचीविंग दिस, वाइल द अदर्स वर प्रेज्ड फॉर देयर एफर्ट। द सेकेंड ग्रुप, दोज हु हैव बीन इंस्टिल्ड विद अ ग्रोथ माइंडसेट, वर सब्सिक्वेंटली फार मोर लाइकली टू पुट एफर्ट इनटू फ्यूचर टास्क। मीनवाइल द फॉर्मर टुक ऑन ओनली दोज टास्क दैट वुड नॉट रिस्क देयर सेंस ऑफ वर्थ। दिस ग्रुप हैव इन्फर्ड द सक्सेस और फेलियर इज ड्यू टू इनेट एबिलिटी एंड द फिक्स्ड माइंडसेट हैड लेड देम टू फियर ऑफ फेलियर एंड लैक ऑफ एफर्ट। प्रेजिंग एबिलिटी एक्चुअली मेड द स्टूडेंट्स परफॉर्म वर्स, वाइल प्रेजिंग एफर्ट्स एम्फसाइज दैट चेंज वाज पॉसिबल। मेरे ख्याल से ये डी आएगा इसका आंसर। आर अफ्रेड टू पुश देमसेल्फ बियॉन्ड व्हाट दे सी एज लिमिटेशंस। सर आप बता सकते हैं कैसे? मैडम ये क्योंकि माइंड फिक्स माइंडसेट की बात की है तो सेकंड ग्रुप जो है ना वो फिक्स माइंडसेट के ऊपर बेस करता है। तो आप उसमें लास्ट में देखें ना तो उसमें वो कह रहा है कि ये ग्रुप जो है ना वो सक्सेस और फेलियर की इंटीमेशन एबिलिटी की वजह से अपने आप को फिक्स माइंड कर लेता है, जिसकी भी जो फेलियर फियर है और लैक ऑफ एफर्ट्स है जिसकी वजह से उसकी लिमिटेशंस आ गई हैं। ओके और कोई ऐड करना चाहेगा? अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम सर। जी, मुझे लग रहा है कि इसका सी है, क्योंकि जो जो दो को उन्होंने यानी कि माइंडसेट जो दिया था तो वो बाद में फ्यूचर में वो अपना पार्टिसिपेट नहीं करना चाह रहे थे, क्योंकि उनको डर था कि जो इंकरेजमेंट हमें मिली है, जो पोजीशन हमें मिली है, वो हमसे छीन ना जाए। ओके और कोई? सर हारिस आपका क्या आइडिया है? मैम मुझे भी डी ही लग रहा है आई थिंक। मैम क्योंकि हमारे ऑप्शन में एमसीक्यूज में ना फिक्स माइंडसेट कीवर्ड है तो हमें इस के हिसाब से ऑप्शन डी की तरफ जाना चाहिए। मैम आमना आप क्या कहती हैं? अच्छा मैं थोड़ा सा बिजी हो गई थी, मैंने पैराग्राफ तो देखा नहीं है। अब अच्छा जो डी कह रहे हैं, क्या जी मैक्सिमम लोग डी कह रहे हैं? जी मैम मैक्सिमम यही कह रहे हैं, मेरा भी यही तो लग रहा है मुझे भी। ओके, तो इसके रीज़न एक्सप्लेन करें तो ही, ताकि सबको समझ आए कि अगर वो डी कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं, और बाकियों को अगर डिनाई कर रहे हैं तो उसको क्यों डिनाई कर रहे हैं। ये सर अली रजा मैम बीना आई थिंक हाईलाइट कर रहे हैं, जी। तो सर ओके अली सर। रजा आप एक्सप्लेन कर दें इसको। मैम मुझे जहाँ तक समझ आ रहा है कि यहाँ पे उन्होंने एक बात ये की थी कि द फॉर्मर टुक ओनली दोज टास्क दैट वुड नॉट रिस्क देयर सेंस ऑफ वर्थ। तो डी ऑप्शन में भी यही बात की गई है कि वो अपने आप को पुश नहीं करते, सिर्फ अपनी लिमिटेशंस तक रखते हैं। तो मैचिंग हो रही है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सेंटेंस हैं जिनमें वो यही डिस्क्राइब कर रहे हैं कि वो जितनी उनकी लिमिटेशन है उसके आगे नहीं जा रहे, इसी वजह से कि अगर आगे जाएंगे तो वो फेल हो जाएंगे। मैम ये जो लो सेंस ऑफ सेल्फ स्टीम और फियर टू ऑफ फेलियर, ये दोनों एक ही बात है कि आपकी सेल्फ स्टीम इतनी लो है कि आपको डर लग रहा है पहले ही कि आप फेल ना हो जाए विदाउट टेकिंग रिस्क, और इतनी हिम्मत ही नहीं है आपके अंदर। तो बिकॉज ऑफ फियर दे आर अफ्रेड टू पुश देमसेल्फ बियॉन्ड व्हाट दे सी एज देयर लिमिटेशंस। और मैम इसमें जो नेक्स्ट लाइन में उसने कहा है कि दिस ग्रुप हैव इन्फर्ड दैट सक्सेस और फेलियर इज ड्यू टू इनेट एबिलिटी। इनेट एबिलिटी आई थिंक होती है जो नेचुरल आपको एबिलिटी मिलती है, तो वो वही कह रहे हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी लिमिटेशंस हैं आई थिंक, जिसकी वजह से उनको लगता है कि सक्सेस उस पर बेस करता है। मैम इसमें आई थिंक बी और डी दोनों हो सकते हैं, तो आप दोनों मार्क करें, लेट्स सी कि क्या होता है। जी बाद में आंसर चेक कर लेंगे, बी और डी दोनों को हाईलाइट कर लेते हैं।
ओके अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, लुक एट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्वेश्चन 17 एंड 22, द लिस्ट ऑफ पीपल बिलो, ठीक है? ओके, राइट द करेक्ट लेटर ए टू ई इन बॉक्सेस 17 to 20। हमारे पास ये बॉक्सेस दिए होंगे यहाँ पे, ये वाले लिस्ट ऑफ पेपर, इसमें से हमने ये चूज करना है। जैसे अल्फ्रेड पीनट है, इसको हम चूज करके इसमें से हमें सॉरी इसमें से हमने देखना है कि ये किसके साथ मैच हो रहा है, ठीक है? जैसे अल्फ्रेड बिनेट है, इसको हमने देखना है कि ये 17 के साथ मैच हो रहा है, 18 के साथ, 19, 20, 21, 22 किसके साथ मैच हो रहा है, ठीक है? हमने पैराग्राफ में से ढूंढना है कि अल्फ्रेड बिनेट किस पैराग्राफ में है, और उस पैराग्राफ को फिर रीड करेंगे। फर्स्ट प्रोग्राम में मैम मैम किस ओके यहाँ पे, ठीक है? अब हमने देखना है कि कौन सा किस एमसीक्यू से मैच हो रहा है, 17 से या 18 से। फर्स्ट है 17 है द मेथोडोलॉजी बियॉन्ड द ग्रोथ सॉरी द मेथोडोलॉजी बियॉन्ड द ग्रोथ माइंडसेट स्टडीज वाज नॉट स्ट्रिक्ट इनफ। कोई बता सकता है ये फर्स्ट पैराग्राफ के साथ मैच हो रहा है नहीं? नो आप मैम, में ये से कोई नहीं आई बता? थिंक। ओके सर 18 मैम किरण, जो नीचे ऑप्शंस है एक मिनट शो कीजिएगा प्लीज। ओके मैम मैम ये फर्स्ट लिस्ट ऑफ पेपर। पेपर। जी, अच्छा, अब आप लोगों ने ऐसा करना है मैम किरण, आई थिंक सो बेस्ट अप्रोच ये रख लें कि जहाँ पे ना अल्फ्रेड बाइनेट ये कीवर्ड आएगा, अब फर्स्ट पैराग्राफ में आ रहा है, ठीक है? अगर तो इससे ये जो स्टेटमेंट्स है ना आपकी सारी, ये पहले एक दफ़ा रीड आउट करेंगे सारी स्टेटमेंट्स। अगर अल्फ्रेड बाइनेट ने जो कहा था, ये जो उससे रेलिवेंट है, इन स्टेटमेंट्स स्टेटमेंट से को मैच कर रहा है, तो फिर आप वो चूज़ करेंगे। पैराग्राफ को हमने चूज़ नहीं करना, हमने ये बताना है कि स्टेटमेंट कौन सी वाली है, ठीक है? कि 21 के सामने, कि किसके सामने ए आएगा, हमने ये देखना है। तो वो हमें कैसे पता चलेगा? पहली बात तो ये कि कीवर्ड अल्फ्रेड बाइनेट हमें ढूंढना है, ये इसका बिल्कुल शॉर्टकट मेथड है। दूसरा ये करना है कि ये वाली स्टेटमेंट सारी पढ़ें, फिर पैराग्राफ पे जाएं और फिर अल्फ्रेड बाइनेट को ढूंढें। ओके जी हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं पहले। द मेथोडोलॉजी बिहाइंड द ग्रोथ माइंडसेट स्टडीज वाज नॉट स्ट्रिक्ट इनफ। द आइडिया ऑफ द ग्रोथ माइंडसेट हैव बीन इनकरेक्टली इंटरप्रेटेड। इंटेलेक्चुअल एबिलिटी इज एन अनचेंजेबल फीचर ऑफ ईच इंडिविजुअल। द ग्रोथ माइंडसेट शुड बी प्रमोटेड विद द स्टूडेंट्स बींग अवेयर ऑफ इट। The growth mindset is not simply about boosting students' morale. Research shows that the growth mindset has no effect on academic achievement. अच्छा मैम किरण, मैं कुछ ऐड करना चाहूँ अगर प्लीज। जी कर दे। ओके, अच्छा, अब देखिए, आप लोगों ने जब आप ढूंढेंगे पैसेज में, ठीक है, सबसे पहली वाली आप स्टेटमेंट देखेंगे जो मेथोडोलॉजी है ग्रोथ माइंडसेट स्टडीज के पीछे, ठीक है ना, वाज नॉट स्ट्रिक्ट इनफ, ठीक है? आपने सिर्फ ये देखना है कि क्या अल्फ्रेड बाइनेट से रेलिवेंट क्या किसी मेथोडोलॉजी का जिक्र है, ठीक है? दूसरा आपने क्या देखना है कि आइडिया ऑफ ग्रोथ, क्या उसने कोई आइडिया दिया था क्या जो कि हैज़ बीन इनकरेक्टली इंटरप्रेटेड, लाइक क्या अल्फ्रेड बाइनेट ने कोई ऐसा आइडिया दिया था जो कि इनकरेक्टली इंटरप्रेट किया गया, ठीक है? या फिर फर्स्ट वन उसको देख लें।
थर्ड में फिर आपने क्या बताना है कि जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी होती है वो क्या है कि अनचेंजेबल फीचर ऑफ ईच इंडिविजुअल, यानी कि हर किसी की क्या है वो अनचेंजेबल फीचर है, ठीक है। फिर आपने लाइक अल्फ्रेड बाइनर से रेलिवेंट ये चीज़ देखनी है कि क्या वो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी से और अनचेंजेबल की बात कर रहा है या नहीं कर रहा है। फिर आपने ये देखना है कि लाइक अगर ये फर्स्ट थ्री में से कोई आपको लग रहा है कि आ रहा है, इट्स मीन कि लेट सपोज कि 18 का आ रहा है, तो आपने 18 के समय ये लगा देना है कि ये अल्फ्रेड बाइनेट से रेलिवेंट है, ठीक है। ऐसे क्या है, ग्रोथ माइंडसेट शुड बी प्रमोटेड विदाउट, वो कह रहे कि लाइक स्टूडेंट्स की जो है ना उनको बताए बगैर जो है वो ग्रोथ माइंडसेट को प्रमोट करना चाहिए, ठीक है, जो उनकी मतलब जो उनकी ग्रोथ माइंडसेट की जो ग्रोथ है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि ग्रोथ माइंडसेट जो है ना वो बूस्टिंग स्टूडेंट्स मोरल, लाइक उनके जो मोरल है उसको मतलब सिंपली जो है वो सिंपली मतलब स्टूडेंट्स का जो मोरल है वो उसके उससे रेलिवेंट नहीं होना चाहिए, आई कुछ और भी मे बी। फिर रिसर्च उस क्या उसने कोई रिसर्च दी थी, फिर क्या रिसर्च शोज दैट द ग्रोथ माइंडसेट हैज़ नो इफेक्ट ऑन एकेडमिक अचीवमेंट, कि कुछ एकेडमिक अचीवमेंट पे कोई इफेक्ट नहीं डालता क्या रिसर्च ग्रोथ माइंडसेट, ठीक है। अब ये हैं आपके पास, ये बहुत ज़्यादा हैं जबकि नेम कम है, ठीक है। तो अब मेमकरन, अब आप पैराग्राफ पढ़ें और उसमें से देखेंगे मेन चीज़ उसने किस चीज़ पे फोकस किया है, तो आप यहाँ से फिर इजिली पिक कर सकेंगे। ओके, ओवर द पास सेंचुरी अ पावरफुल आइडिया हैज टेकन रूट इन द एजुकेशनल लैंडस्केप। द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस एज सेंट्रिक इनेट हैज बीन सप्लेंटेड बाय द आइडिया दैट इंटेलिजेंस इज नॉट फिक्स एंड दैट विद द राइट ट्रेनिंग वी कैन बी ऑथर्स ऑफ आवर ऑन कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज। साइकोलॉजिस्ट अल्फ्रेड बिनेट, डेवलपर ऑफ फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट, वाज वन ऑफ मेनी 19th-century साइंटिस्ट हु हेल्ड द अर्लियर व्यू एंड सॉट टू क्वांटिफाई कॉग्निटिव एबिलिटी। देन इन द अर्ली 20th-century प्रोग्रेसिव थिंकर्स रिवोल्टेड अगेंस्ट द नोशन दैट इनहेरेंट एबिलिटी इज डेस्टिनी। इंस्टेड एजुकेटर्स सच एज जॉन डीवे आर्ग्यू दैट एवरी चाइल्ड्स इंटेलिजेंस कुड बी डेवलप गिवन द राइट एनवायरनमेंट। ओके, कोई बता सकते हैं इसका कहाँ पे होगा आंसर? मुझे ये लग रहा है मैम इन 19 ओके 19 अगर आपको लग रहा है। अच्छा मैम फिर क्या कहते हैं मेथोडोलॉजी का जिक्र किया गया इसमें, सॉरी मैम आपकी आवाज स्लो। किसी मेथोडोलॉजी का जिक्र किया है इसमें इन्होंने? नो मैम, ओके कोई इनकरेक्टली इंटरप्रेट किया गया हो कोई आइडिया, लाइक कुछ ऐसा ऐसा जिक्र किया गया कि कोई इनकरेक्टली इंटरप्रेट किया गया हो ग्रोथ माइंडसेट का आइडिया कुछ ऐसा, ये भी नहीं है। उसके बाद क्या इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, अच्छा ये अनचेंजेबल जी ये लग रहा है आपको? ओके तो ये कहाँ पे? इंटेलिजेंस इज नॉट फिक्स एंड दैट विद द राइट ट्रेनिंग वी कैन बी ऑथर्स ऑफ आवर ऑन कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज, इसका थोड़ा बहुत जिक्र किया गया इधर। द अल्फ्रेड बिनेट, डेवलपर ऑफ वर्स इंटेलिजेंस। इंटेलेक्चुअल एबिलिटी इज एन जी अनचेंजेबल फीचर, अनचेंजेबल के बारे जी में अगर कॉन्सेप्ट में समथिंग समथिंग इनेट हैज बीन प्रिवेंटेड बाय द आइडिया दैट इंटेलिजेंट इंटेलिजेंस इज नॉट फिक्स्ड इन द वी कैन ऑथर्स ऑफ आवर ओन कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज कैपेबिलिटीज ओके इंटेलेक्चुअल एबिलिटी इज एन अनचेंजेबल, फीचर ऑफ ईच इंडिविजुअल यही लग रहा ठीक है चलें अगर इसको कंसिडर कर लेते हैं। इसके है। बाद ओके आगे विदाउट ये स्टूडेंट्स के बारे में तो इसमें भी कोई खास उससे बात नहीं की गई, 20 यस वाला भी नहीं मैम, कर सकते।
स्टूडेंट्स मोरेल की भी बात नहीं की गई। ग्रोथ माइंडसेट की भी कोई बात नहीं की गई इधर। ओके ठीक है, फिर अगर आपको लग रहा है तो उसको कंसिडर करें, बाद में हम आंसर चेक कर लेंगे। ओके करना कोई और कुछ ऐड करना चाहें? किसी को लग रहा है कि कोई इसमें इशू है या समझ नहीं आ रही? अच्छा, ये कोई कोई भी ऐड नहीं करना चाहेगा। इस क्वेश्चन के समझ आइए किसी को, मुझे ये बताएं बस। यस मैम, आ गई समझ क्वेश्चन देखें देख में। जी, आप बताएं। मैम ये आपने 19 आप थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, मुझे समझ नहीं आ रही कैसे आपने वैसे किया। अच्छा, ये है कि इंटेलेक्चुअल एबिलिटी जो है ना इज एन अनचेंजेबल फीचर ऑफ ईच इंडिविजुअल, यानी इसमें ये बता रहा है कि किसी भी इंसान में जो है ना एक जो उसकी अपनी कोई उसमें अपनी जो है ना यूनिक कोई एबिलिटी होती है, ठीक है, वो चेंज नहीं की जा सकती, ठीक है, उसको लाइक चेंज नहीं किया जा सकता। इट्स मीन के लाइक आपकी एबिलिटी को खत्म नहीं किया जा सकता, ये पॉजिटिव सेंस में बात की जा रही है, नेगेटिव में नहीं की जा रही, ठीक है। तो इसको अगर हम यहाँ से इस पे हम इस तरह से हमें लग रहा है ना कि हमें क्यों ऐसा लग रहा है कि इसमें बाय द आइडिया दैट इंटेलिजेंस इज नॉट फिक्स्ड, ठीक है, एक तो यह कि अगर लेट सपोज कि हम कहते हैं ना कि कोई बच्चा जो है लेट सपोज कि वो पढ़ने में थोड़ा सा पहले बचपन में जी अच्छा था, दरम्यान में जाके तो वो सही रहीन था, दरम्यान में जाके वो उस तरह से अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा, ठीक है, वो क्या कह रहे हैं कि अगर उस पर थोड़ी सी हम मतलब क्या करें राइट ट्रेनिंग, अगर राइट ट्रेनिंग की जाए वी कैन बी ऑथर ऑफ आवर ओन कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज। तो जब आर ऑन की बात आ जाती है ना, आर ऑन, तो ये यहाँ पे इंटेलेक्चुअल और इंडिविजुअल हम इन दोनों को ले सकते हैं, ये कीवर्ड्स तो हम इसलिए इससे यूज। मुराद हुआ कि चेंजेबल है विद द राइट ट्रेनिंग। हाँ चेंजेबल है, लेकिन वो क्या कह रहा है देखें, वो उसमें वो इंटेलिजेंस थी ना, ठीक है, उसको कम नहीं किया गया, ठीक है, अगर वो दरम्यान में अगर वो थोड़ा सा कहीं डी ट्रैक हो गया, उसको राइट ट्रेनिंग ला के दोबारा से अपने उसी ट्रैक पे वापस लाया लाया गया है, लाया जा सकता है। लाइक कि अगर कोई इंसान इंटेलिजेंट है, ठीक है, तो वो इंटेलिजेंट दोबारा हो सकता है, ठीक है। हम अनचेंजेबल से मतलब ये है कि हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये बचपन में इंटेलिजेंट था और अब जो है उसकी इंटेलिजेंस कहीं खत्म हो गई है, ठीक है, वो इंटेलिजेंस अनचेंजेबल है, हम ये कह सकते हैं, समझ आई। लेकिन दरमियान में अगर वो जो डी ट्रैक हो गया था तो उसके लिए क्या किया गया, मैं आप एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है, वो जो डी ट्रैक हो गया था तो उसके लिए क्या किया गया, कि राइट ट्रेनिंग, ठीक है, विद द राइट ट्रेनिंग वी कैन बी द ऑथर्स ऑफ आर ओन कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज। कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज भी इसी में मतलब इसी सेंस में आती हैं जो आपकी इंडिविजुअली होती है, ठीक है, समझ आइए। ओके ये अभी भी कुछ मतलब इसमें है अनचेंजेबल और उसमें सर, अल्लाह नूर बंग्लादेश, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी मैम, ये 19 वाला डिस्टेंस बना रहा है, लेकिन ये 21 पे अगर हम देखें तो इसका अगर हम कंपेयर करें ये लास्ट जो लाइन है पैराग्राफ का, मतलब उसको अगर राइट एनवायरनमेंट मिलेगा तो स्टूडेंट का मोराल बढ़ेगा और उसकी ग्रोथ माइंडसेट भी होगी। हाँ ठीक है, ये भी उसी सेंस में बात आ रही है, लेकिन हमने क्या करना है, आगे देखना, ये जो हम दिवे की उसके बारे में बात हो रही है ना, तो हमारा जो कीवर्ड था वो था अल्फ्रेड बाइनेट, ठीक है, हमारा मेन फोकस थोड़ा इस पे रहेगा, ठीक है, ओके, ताकि हमारा टाइम भी वेस्ट ना हो उस पे, हम पेपर में जब बैठेंगे तो ऐसे नहीं इधर उधर वो दूसरे पे नहीं हम जा सकते, क्योंकि एक तो आंसर हमारा गलत चूज हो सकता है, दूसरा टाइम वेस्ट हो सकता है, अल्फ्रेड बाइनेट पे ही हम रहेंगे, ठीक है। जी बिल्कुल, गॉट ठीक है, बस ये जहां तक उसकी बात खत्म अल्फ्रेड बाइनेट की, तो बस वहीं पे खत्म हमारा, ठीक है। ठीक है मैम, अगर आप आगे आ जाएं। इट। ओके ओके, नेक्स्ट हमारे पास है कैरोल डिवेक, ठीक है, हमने ऑप्शंस तो पढ़ लिए हैं सारे, अब हमने ये देखना है कि किस पैराग्राफ में है।
आई थिंक ये यहाँ पे है, थर्ड पैराग्राफ में। ठीक है, कोई इस पैराग्राफ को रीड करना चाहेगा? आप लोग पार्टिसिपेट किया करें, कोई एक रीड करें। जी मैं कर देता हूँ। द आइडिया ऑफ द ग्रोथ माइंडसेट इज बेस्ड ऑन द वर्क ऑफ साइकोलॉजिस्ट कैरोल डिवेक एंड कैलिफोर्निया इन द 1990s एंड वन थिंग एक्सपेरिमेंट दे डिवाइड अ ग्रुप ऑफ 10 टू 12 ईयर ओल्ड इनटू टू ग्रुप ऑल वर टोल्ड दैट दे हैड अचीव्ड अ हाई स्कोर ऑन अ टेस्ट बट द फर्स्ट ग्रुप वर प्राइज्ड फॉर देयर इंटेलिजेंस एंड अचीविंग this while the other were praised for their effort. The second group, those who had been instilled with a growth mindset, were subsequently far more likely to put effort into future tasks. Meanwhile, the former took on only those tasks that would not risk their sense of worth. The group had inferred that success or failure is due to innate ability, and this fixed mindset had led them to fear of failure and lack of effort. Praising ability actually made the student perform worse, while praising effort emphasized the change was possible. ओके हाँ, कोई बताना चाहेगा इसका क्या आंसर होगा? ये किसी को आइडिया नहीं हुआ? ये थोड़ा सा 21 जो इजी है, है। जी, ये हो सकता है। सब कैसे बताएंगे आप? मैम उसमें लास्ट में वो कर रहा है कि जैसे प्रेजिंग एबिलिटी एक्चुअली मेड द स्टूडेंट परफॉर्म वर्स व्हाइल प्रेजिंग एफर्ट एम्फसाइज दैट चेंज वाज पॉसिबल। उसने कहा है कि जैसे ग्रोथ माइंडसेट इज नॉट जस्ट अबाउट कि आप उसके मोरल को बूस्ट कर रहे हो। मुझे इस पे लग रहा है यार, बाकी आप गाइड कर दें थोड़ा। नहीं ठीक है, आप अपनी पार्टिसिपेशन दें, दैट्स ग्रेट। आप कह रहे हैं कि 21 है, ठीक है, और आप लाइन नंबर आप थोड़ा हाईलाइट कर दें जो लग रही है थोड़ा सा रेलिवेंट, हम पढ़ लेते हैं उसको। पहले हम जो आपने हाईलाइट किया उसको पढ़ लेते हैं, फिर हम ऊपर से भी पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि मीन वाइल, अच्छा इट्स मीन के अभी पीछे से बात चलती आ रही है, अगर ये मीन वाइल से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। द फार्मर टुक ऑन ओनली दोज टास्क दैट वुड नॉट रिस्क देयर सेंस ऑफ वर्थ। दिस ग्रुप हैज इन्फेरेड दैट सक्सेस और फेलियर इज ड्यू टू इननेट एबिलिटी एंड दिस फिक्स्ड माइंड सेट हैज लेड देम टू फियर ऑफ फेलियर इन लैक ऑफ एफर्ट। प्रेजिंग एबिलिटी एक्चुअली मेड द स्टूडेंट परफॉर्म वर्स वाइल प्रेजिंग एफर्ट एम्फसाइज दैट चेंज वॉज पॉसिबल। अच्छा, इज नॉट सिंपली अबाउट बूस्टिंग स्टूडेंट्स मोरेल। ओके, कुछ ना कुछ लग रहा है, लाइक हम ये मतलब इसमें इस तरह से बात कर रहे हैं ना कि अगर हम उनको ड्यू टू इनेबिलिटी ओके ठीक है मैम, कुछ ना कुछ ये रिलेट कर रहा है, ठीक है। ऑल्दो इसमें स्टूडेंट्स मोरेल की बात उस तरह से नहीं की गई, हाँ बूस्टिंग से और थोड़ा लग रहा है, ठीक है, हम बाकियों को भी देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले जो ना, सबसे पहला कीवर्ड जो ना, मुझे ऐसा लगा था इसको देखना, द आइडिया ऑफ ग्रोथ माइंडसेट। तो अगर हम 18 को देखें, द आइडिया ऑफ ग्रोथ माइंडसेट, ठीक है, यहाँ तक तो हो गया।
अब इनकरेक्टली इंटरप्रेटेड की बात है, तो हम थोड़ा नीचे आ सकते हैं, हम देख लेते हैं कि कुछ ऐसा है या नहीं है। क्या ख्याल है आप लोगों का? यस मैम, देख लेते। इसमें भी डिवाइडेड ग्रुप ऑफ 10 to 12 ईयर ओल्ड ऑल वर टोल्ड दैट दे हैड अचीव्ड अ हाई स्कोर, मतलब उन्हें बताया गया था हाई स्कोर ऑन अ टेस्ट, बट द फर्स्ट ग्रुप वर प्रेज्ड फॉर देयर इंटेलिजेंस। इसमें इनकरेक्ट इंटरप्रिटेशन की तो आई थिंक कोई बात नहीं हुई, पूरे पैराग्राफ सिर्फ एक्सपेरिमेंट। अच्छा ठीक है, हम देख लेते हैं। अच्छा मतलब उन सबको जो है ना, वो जो ग्रुप था ना 10 to 12 ईयर ओल्ड, को ने ये बताया गया था कि उन्होंने क्या करना है, हाई स्कोर अचीव करने हैं टेस्ट में, बट द फर्स्ट ग्रुप पर प्रेज्ड, लेकिन पहले ग्रुप को जो है उनको उनके इंटेलिजेंस पे प्रेज किया गया था, ठीक है, जबकि जो दूसरे वाले थे ना, वाइल अदर्स आर प्रेज्ड, हाँ ठीक है, एक को इंटेलिजेंस की बेस पे प्रेज किया गया था, दूसरे को एफर्ट की बेस पे, ठीक है, जो सेकंड ग्रुप था ना, हु हैड बीन इंस्टिल्ड विद अ ग्रोथ माइंडसेट, वर सब्सिक्वेंटली फार मोर लाइकली, ठीक है, फार मोर लाइकली टू पुट एफर्ट इनटू फ्यूचर टास्क। जो जो दूसरा वाला ग्रुप था ना, ठीक है, वो इंस्टिल्ड विद अ ग्रोथ माइंडसेट, लाइक कि वो अभी भी जो है, वो जो फ्यूचर टास्क उनके थे उस पर अभी भी वो मतलब वो जो एफर्ट जो जिस पे जिनको इंटेलिजेंस के बेस पे किया गया था ना, तो अभी भी वो जो दूसरे वाले थे उससे बहुत दूर थे अभी वो, ठीक है। आगे देखें, मीन वाइल द फार्मर टुक ऑन ओनली दोज टास्क दैट वुड नॉट रिस्क देयर सेंस ऑफ वर्थ, ठीक है। अब जो दूसरे वाले थे ना, उन्होंने सिर्फ वो वाले चूज किए जिन पे उन्हें कोई अपना लाइक कोई जैसे इतनी एफर्ट नहीं पुट करनी पड़ी थी, ठीक है। दिस ग्रुप हैड इन्फेरेड इन्फेरेड दैट सक्सेस आर फेलियर इज ड्यू टू, ओके यहाँ पे देखिए आप, ये सक्सेस और फेलियर जो है ड्यू टू इननेट एबिलिटी एंड दिस फिक्स माइंडसेट, ठीक है, हैड लेड देम टू फेयर ऑफ फेलियर एंड लैक ऑफ एफर्ट। अब आपको समझ आई इस चीज की? देखें, एक ग्रुप को दिया गया था उसको इंटेलिजेंस की बेस पे, दूसरे को एफर्ट की बेस पे, ठीक है। अब जो इंटेलिजेंस वाले हैं वो वाले नेक्स्ट वो वाले वो चूज करेंगे टास्क, ठीक है, जिनमें इतनी एफर्ट पुट नहीं करनी पड़े पड़ी होगी, ठीक है। अब उन्हें क्या होगा, उन्हें उनमें ना एक फेयर आ जाएगा, एक खौफ आ जाएगा इस चीज का कि हमने अगर कोई एफर्ट वाला कोई टास्क चूज कर लिया तो हम फेल हो जाएंगे, ठीक है। जबकि ये देखें, ये रॉन्ग इंटरप्रिटेशन भी हो सकती है, जो कि देखे ना, ऑल वर टोल्ड दैट दे हैड, उन्हें उन्हें बताने वाले जो थे वो गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं, ठीक है। ये किसने ये किसके बारे में था, ये इसका कैरल डवेक का जो आइडिया था, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। उसका जो आइडिया था वो आइडिया ये था कि आप कुछ को इंटेलिजेंस की बेस पे दो, कुछ को एफर्ट की बेस पे दो। अब एफर्ट वाले जो है वो कम्प्लेक्सिटी के शिकार हो जाएंगे कि हमें इंटेलिजेंस नहीं, इंटेलिजेंस वाले जो है तो वो बहुत इजी वाले टास्क यूज करेंगे, उनमें उनमें वो एफर्ट वाला फेयर भी आ जाएगा। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये रॉन्ग इंटरप्रिटेशन भी हो सकती है। किस तरह से देखें, द आइडिया ऑफ ग्रोथ माइंडसेट हैज बीन इनकोरेक्टली इंटरप्रेटेड। आपको समझ आई है जो मैं कहना चाह रही हूँ? यस मैम, आई ठीक है, तो हम इसमें ऐसा करते हैं मैम, ऐसा करें कि इसको 19 में जो है ना, इसमें लगा लें आप दोनों लगा लें, बूस्ट वाला जो है वो भी और 19 वाला भी, ठीक है। मैम, हम तो 2019 वाला तो हो गया था, 19 वाला, 18 और सॉरी सॉरी 21 18 वाला हो रहा है, 18 और 18 वाला। 21, जो 21 सर कह रहे थे, ठीक है, हम जी दोनों को जी बी बी कर लेते हैं, आगे देख लेंगे, जी ठीक है। अच्छा कितने रह गए ये टोटल मैम? अभी तो काफी रहते हैं।
रहते हैं लेकिन टाइम खत्म। फिर ऐसा करें कि कल ही करते हैं, हम ऐसा करते हैं जो आज किया है काम उसका आप आंसर चेक कर लें। ओके सॉरी पैसे टू है ना। ओके 14 का हमने बिल लगाया था, ये भी ठीक है। 15 का सी है, 16 का डी, 17 का सी था और 18 का बी था, 21 का भी हमने बी लगाया और 19 का ए। अभी तक तो हमारे सही जा रहे हैं सारे। 21 का भी बी है। ओके दैट्स जी ग्रेट। ठीक है हम ऐसा करते हैं 21 को कल अगेन डिस्कस कर लेंगे, इसको हम दोबारा से देख लेंगे। ठीक है मतलब फिर है समझ तो आएगी ही है लेकिन फिर भी देख लेंगे। ठीक है ठीक है बेस्ट हो गया। तो और किसी को आज मेन किरण पूछने कोई इशू हो, किसी को कोई प्रॉब्लम हो किसी को कोई इशू है, इशू हुआ आज के लेक्चर में, आज की क्लास में कोई मैम, वैसे ये जो क्वेश्चन? पैसेज है ये इसकी डिफिकल्टी लेवल इसी तरह होता है, ये ज्यादा डिफिकल्ट था आज थोड़ा। कुछ पैसेज डिफिकल्ट होते हैं लेकिन ये है कि कुछ आ जाते हैं कुछ इजी भी होते हैं, लेकिन मैं यही कहूंगी कि आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे आप में ना, अच्छा कोशिश करेंगे यहाँ से करने के बाद आप लोग अपनी जो रीडिंग स्पीड है अपनी उसको बहुत इंप्रूव करें, ये बहुत मैटर करती है। हम आपकी रीडिंग स्पीड नहीं इंप्रूव करवा सकते, हम यहाँ भी आपको समझा रहे होते हैं। इवन जो है ना ये मतलब कोई भी जब अपना वो करेगा ना, रीडिंग स्पीड बहुत मैटर करती है एक चीज़। दूसरा ये है कि अगर आपकी रीडिंग स्पीड अच्छी होगी तो मुश्किल से मुश्किल पैसेज भी आप इजिली कर लेंगे, लेकिन अगर आपकी रीडिंग स्पीड इतनी अच्छी नहीं होगी तो आप फिर इजी से इजी में भी टाइम वेस्ट करेंगे। ठीक है तो इम्पोर्टेंट स्पीड है आपकी। ठीक है ओके मैम, तो ये ऐसे इम्प्रूव होगी कि आप रोज टाइम रख के उसको फिर आप प्रैक्टिस करेंगे उसकी तो ठीक है वैसे इम्प्रूव होगी। तो ओके फिर मैम टाइम भी हो गए तो कल इंशाल्लाह मिलते हैं। ओके ठीक है अल्लाह ओके हाफिज़। अल्लाह अल्लाह आप जल्दी हाफिज। जाओगे। अल्लाह।